हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है, बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार दोस्तों, देखिएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? OS X ये तो है, विंडोज 7 भी है, DOS यानी डॉस भी है, C++। दोस्तों, C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी ये सिस्टम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। नेक्स्ट एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड क्या दोस्तों, देखिएगा, एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, डैश उपकरण है जो स्टिक को नियंत्रित करने वाले उपकरण या एप्लीकेशन को छड़ी की दिशा या कोण के बारे में जानकारी भेजता है। इसका राइट दोस्तों जॉयस्टिक हो जाएगा। जॉयस्टिक उपकरण है जो स्टिक को नियंत्रित करने वाले उपकरण या एप्लीकेशन को छड़ी की दिशा या कोण के बारे में जानकारी भेजता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। दोस्तों याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। सारा बेसिक सवाल है जो दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आप लोग झारखंड सहायक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं या सीजल का तैयारी कर रहे हैं या आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट ये है। ठीक है, तो आप लोग सभी को डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को डैश कहा जाता है। डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है देखते हैं। फोटोशॉप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विन वर्ल्ड XP ये भी है, विंडोज एनटी दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, पेज मेकर ये भी विंडोज सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर पूछा है नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला है, परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए। इनपुट आउटपुट मेमोरी CPU सभी हो जाएगा, सभी को संरक्षित किया जाना चाहिए। अगला है, इनमें से कौन सी सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों C, PL 360, पास्कल सभी है, सभी प्रोग्रामिंग भाषा ही है सब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है, डैश कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। दोस्तों एग्जीक्यूटिंग कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है, ये क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी से उचित प्रक्रिया द्वारा
रिमूव करने के लिए डिस्क की आवश्यकता होती है। दोस्तों देखिएगा, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी से उचित प्रक्रिया द्वारा रिमूव करने के लिए देखिए इंस्टॉलेशन की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन वो जो है बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है, वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसे कहा जाता है यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को डैश कहते हैं। विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को डैश कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। ठीक है, विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को मल्टीटास्किंग कहते हैं। अगला है, पेजिंग लागू किया गया है हार्डवेयर इसका। ठीक है, हार्डवेयर में ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डेटा को डैश में परिवर्तित करना। मूल लक्ष्य बताना है आपको दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए अगला है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। देखिए अगला है, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम यानी ROM रोम में रहता है। प्रश्न बोल रहा है वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों रोम का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, कभी कभी ये पूछता है रीड ओनली मेमोरी ROM का फुल फॉर्म होता है, ये भी जान लीजिए। अगला है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना है। दोस्तों सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना है, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डैश का प्रयोग दस्तावेजों तथा प्रोग्राम को संचित करने के लिए किया जाता है। डैश का प्रयोग दस्तावेजों तथा प्रोग्राम को संचित करने के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों फाइल हो जाएगा। फाइल का उपयोग दस्तावेजों तथा प्रोग्राम को संचित करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आते हैं अगला प्रश्न पे, अगला प्रश्न है स्मृति प्रबंधन, इसका मतलब दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट है दोस्तों वह है परिचालन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, परिचालन तंत्र के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। और आखिरी सवाल है, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग, क्या कहता है उसे प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को सभी कोई लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल में बहुत ही शॉर्ट टाइम में सब कुछ कराया जाता है। ठीक है, जितना भी हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट देंगे दोस्तों सारा प्रैक्टिस सेट लगभग 8 से 9 मिनट का ही रहेगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है चलो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।